खून, खून की एक ही झलक भर रेहान को बदल देती है। वो इंसानी खून ही है जिसके आगे वो बेकाबू हो जाता है, एक अधिशात बन जाता है। अधिशात यानी वो प्राणी जो एक आदि नागिन और चील के मिलन से जन्मा है, और ये तो उसकी शक्तियों की सिर्फ शुरुआत है। एक दिन जब वो पूरी तरह अपने रूप में आएगा तो ये अधिशात इतना ताकतवर हो जाएगा कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये तस्वीर यहां कैसे आई? इसे तो किसी के सामने नहीं आना था, कभी भी नहीं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। लेकिन नहीं प्लीज, नाम मत कीजिएगा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ कि दुनिया से अलग उनक क्या होता है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए इंसानियत के वास्ते, प्लीज। इट्स ओके, रिलैक्स। अगर ये तस्वीर यहाँ है तो क्या इसका मतलब वो भी यही है? मैं क्या करूं? वो धुन आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्यों ख्यालों में भी आके मुझे बेचैन कर जाती है? आखिर क्या है उस धुन में ऐसा जो मुझे इतना बेकाबू कर देता है? कनेक्शन क्या है मेरा उससे? किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे?
15 किलो बढ़ गई हो तुम। हाँ, शट अप। और ये बोलो कि आप डर गए। हाँ, मैं डर गया। चलो जल्दी से उतर जाओ वरना तुम्हारे मंगेतर को बता दूंगा कि तुम उस पे सच में भारी पड़ने वाली हो। अरे पार्टी में क्यों नहीं गई? आप खुद ही सोच लो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको 3 चांसेस देती हूँ, आपको खुद डिसाइड। भाई आप इस बॉल को तो आप हाथ मत ही लगाओ। मुझे एक बात बताओ, एक तो आप मुझसे इतने सालों बाद मिल रहे हो, आके मुझे कॉल करने की बजाय, अपने पुराने वाले अड्डे में आके मुझसे मिलने की बजाय, मुझसे बहुत सारे गपशप करने की बजाय आपने मुझे कॉल तक नहीं किया। ऐसे के भाई कहाँ थे आप और क्या कर रहे थे? एहसान भाई आप मुझसे तो मत ही छुपाओ, आप ऐसे ही तो वापस नहीं आए हो ना? ये लाया है मुझे यहाँ। प्लीज 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 हेल्प मी, एक आदमी मुझे लूट के भागा है, मेरा वॉलेट लेके, उसमें मेरा सब कुछ था। प्लीज प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज प्लीज उसे पकड़िए प्लीज। किस तरफ भागा है? उस तरफ। मैं बात दोहराता नहीं, कुछ और खोए बिना जिंदा रहना है तो भाग जा। तुम्हें अपने बारे में जानना है ना? कौन हो तुम, कहां से आए हो, इतनी शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? इस पते पर चले जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा अपने बारे में। यह अजीब शक्तियां क्यों है मुझ पे? कहां से मिली है ये शक्तियां? भाई इस पे तो मसूरी लिखा है। और ये कागज कहीं ना कहीं इशारा करता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब यही कहिए, बस मुझे उसे खोजना बाकी है। आप कौन हो, आपका पास्ट क्या है और आप ऐसे डिफरेंट? हाँ उसके बारे में भी मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आप ये बात तो जानते हो ना कि मैं और पापा जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपकी सारी शक्तियों के बारे में भी। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। पापा तो जब आपको लेकर आए थे ना घर पे पहली बार, तब से सबको बोलते थे कि मेरा रेहान मेरे लिए बहुत लकी है। मैं पापा को हमेशा कहती थी कि पापा रेहान भाई सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी हमारे रेहान भाई तो जिनकी भी लाइफ में जाएंगे उन सबके लिए लकी होंगे। और टाइम्स अप, पका मत। सुन जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, और हाँ सबको बोलना मैं सो चुका हूं। लेकिन भाई चीप ट्रिक्स।
फोटो कहाँ गई? वो फोटो कहीं गुम ही नहीं है। वो फोटो किसी ने जानबूझ के रखी है, लेकिन किसने? ये यहाँ कैसे आया? कौन लाया होगा इसे? मॉम, रूही। मॉम, कुछ चोरी हो गया है मॉम। चोरी? क्या? रूही, चल मेरे साथ। क्या चोरी हो गया है? अरे, आपकी बेटी का दिल। मॉम, क्यों तंग कर रही हूँ दी को? स्वाति जब शादी के लिए तैयार हो जाएगी वो हमें बता देगी, है ना? थैंक यू मॉम, आई लव यू। आप भी ना मॉम, हमेशा स्वाति दी की साइड लेते हो। जाओ अब उन्हीं के पास जाओ। अरे रे, एक हक के साथ एक किस फ्री। देखा स्वाति दी, रूही ऑलवेज विन। या रूही ऑलवेज विन। चलो मॉम, और बहुत गॉसिप करना बाकी है। अरे लेकिन चलो ना। गाइस, कम ऑन, नाश्ता तैयार है, जल्दी से सब लोग आ जाओ क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। डैड, कम ऑन गाइस, तुम लोगों में से किसी को नहीं आना ना, इट्स ओके। सारा नाश्ता मैं अकेले कर लूंगी, मत आओ कोई भी, जाओ। Everybody on table, come on. क्या बात है भाई, आपका जादू अभी भी, इतने सालों बाद भी। हाँ माय डार्लिंग्स रेहान्स, तुम पार्टीज में क्यों नहीं आए? अभी भी डैड का क्लोन, नॉट कूल। शिवन, अति शुरू के स्टूपिड्स। हे रेहान, पहचाना? कल रात ही पहचान लिया था जब आप दबे पाव कमरे में आए थे। क्यों डैड, डोंट टेल मी आप ब्रो को अभी भी गुड नाइट किसी देते हो। भाई, अगर ये बात घर के बाहर चली गई ना, आई स्वेर आपकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं शहर की लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। व्हाट अ स्ट्रेंज बॉयज, हमारी उम्र में हम तो चाहते थे कि लड़कियां हमारे लिए तरस। और तू तो पूरा पैकेज है बेटा। #roots, #khadoos, जो किसी के मुंह नहीं लगता। और हाँ, बातें भी छुपाते हैं, मिस्टीरियस। हाँ, जो दयावान भी है और दयालु भी। डैड, ये अर्णव इतना लुटा पिटा क्यों पड़ा है? बीमारी हो गई है, जो जवान लड़कों को इस उम्र में होती है। उनकी दवाई का नाम है स्वाति। स्वाति? प्रेम की पोएट्री, याक। तू ना रहने दे, इतना आसान नहीं होता। तेरे को पता कितनी मुश्किल होती है? अरे इसके लिए मुश्किल नहीं होती है, गर्ल्स आर द मैड्स आफ्टर हिम ना, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। अरे वेट वेट, रेहान, आई थिंक रेहान भाई की बात में दम तो है, अब अर्णव भाई को शादी तो। एक्सक्यूज मी, मैं सीरियस नहीं था। हाँ वो मैं भी बस वो इंटरेस्टेड हूँ उसमें। इंटरेस्टेड नहीं बेटा, ये प्यार है। चल स्वाति का नंबर दे जो तुझे मिला है। नो वे। पैसे दी, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो अब अर्णव को क्या देने का सोच रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है ना, आपको एक रोमांटिक सा लव लेटर देना चाहिए, बड़े से दिल के साथ। तू ना सुबह सुबह मेरा खून पीना बंद कर और फ्रूट्स का। आरू, तू भी कुछ समझा ना दी को, क्या तू उन भूतों के चक्कर में लगी हुई है? भूत भूत ना होते और ना ही कभी दिखते, समझी? भूत होते हैं और दिखते भी हैं, मैंने तो एक देखा भी है। हाय। हाय प्रिया, आओ। गुड मॉर्निंग। तुम भाई हो ना?
वो डोंट वरी प्रिया, तू जा तेरी ड्राइंग कर हा? और तुझे पता है प्रिया हमारी न्यू टेनेंट है। ये अरुणा ऐसी है प्रिया, इसकी अजीबोगरीब रिसर्च भी चलती रहती। अभी इसकी रिसर्च पता है किस पे चल रही है? भूतों पे। ती मेहरबान कदरदान साहिबान, लग गई है पराठों की दुकान। गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं मेरी चारों परियों के लिए, जिन्हें वो भी गर्मा गर्म। बाय द वे कूल प्रिया, मैं तुम्हें परी बुला सकता हूँ ना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? जी जी, नो प्रॉब्लम। दैट्स कूल। क्या पापा, अब दही के लिए चम्मच नहीं लाए? देसी बन देसी, ये पराठे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाथों के साथ ही खाए जाते हैं, और ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तुम्हें चाहिए तो मैं चम्मच ला के देता हूँ। अरे मैं ले आती हूँ। अरे मैं ला रहा हूँ। इट्स ओके, मैं ले आती हूँ। यार ये फोटो यहां कौन लाया? मामा जूस देना। हाँ तू एप्पल खाएगी? नहीं। सही कोई तुम्हारी माँ होगी। रुई गाइस 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 गाइस, सो माई डॉटर्स, मेरी परियों, तुम सबके लिए एक बहुत भयंकर वाली खुशखबरी है। तेरा रिश्ता आया है रे। व्हाट? क्या? Yes, or guess what? Who's the guy? Arnav. Arnav. Wow, wow, so cool. क्या बात है दी? अब आप मेरी बोलती बंद करके दिखाओ। तुम्हें वो लास्ट सीन याद है जिसमें हीरो अपनी जान की परवाह किए बिना हीरोइन के लिए इतने गहरे पानी में कूद गया था? अरे पर आप कहाँ चल दिए?
मॉम डैड की कार बहुत दूर है, आप वहाँ पे पहुँचोगे कैसे? क्या हाल है ब्रो? यो मिवान। यार तू हमेशा गिनता क्यों है? क्योंकि तू भूल जाता है। थैंक्स तो। रिहान, पागल से हो गया क्या रिहान? हैं? अगर पापा टाइम पे ब्रेक नहीं लगाते तो तुम्हें चोट नहीं लग जाती? सॉरी, डैड पे ज्यादा भरोसा कर लिया, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। गलती करो तुम और सजा मिले हमें, टाइम कुछ सिखाया नहीं तुमने इसे। माइंड ब्लोइंग्स। अब चले। अच्छा भाई को बड़ी जल्दी हो रही भाभी के पास जाने की है। चलो 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 रुके। अब क्या हुआ? रिहान बेबीज, तुम ठीक हो बेटा? हाँ। चले। पक्का? या। ये अर्नव का मामला खत्म करके वापस आता हूँ। देखना पड़ेगा ये सेम नंबर क्यों लगे हैं। मुझे बस 2 मिनट आपसे बात करनी है। मैं रेस्ट कर रही हूँ। ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? मुझसे बात नहीं करना चाहते क्या? हाय। तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजे से। लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। हो सकता है आपने दरवाजा सही से बंद नहीं किया था। अब क्या आप मुझे अवॉइड कर रही हैं? What? मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करने लगी? तुम नहीं पीजी हो ना? सिद्धार्थ ने मुझे बताया था। तो कैसे लग रहा है तुम्हें? एडजस्ट कर लिया? ये आप हैं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम भरोसा रखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज किस्मत के भरोसे कुछ मत छोड़ो। प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी मदद करो। ये बहुत पुरानी पिक्चर है, कल मुझे पार्टी में मिली थी। देखो ना इसमें कितनी यंग लग रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। एक्चुअली मैं अपने पास के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन ये फोटो ही है बस मेरे पास जिससे मैं अपने पास के बारे में कुछ जान सकती हूँ। ये फोटो मेरी वार्डन मैम ने मुझे दी थी, और ये फोटो और मैं उन्हें गौशाला में मिली थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि ये औरतों में से कोई एक है जो मेरी माँ है। आपको तो पता होगा कि इनमें से मेरी माँ कौन है। मैं कभी अपनी माँ से नहीं मिली। मैं सच में अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनके गले लगना चाहती हूँ। क्या प्लीज मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे बता सकती हैं कि मेरी माँ कौन है? बीवी जी, ओ धर्मपत्नी जी। I'm sorry बेटा, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, लेकिन इनमें से किसी औरतों को मैं नहीं जानती। पर इस फोटो में आप सब साथ में हैं, you guys were friends, right? होगी कोई ना कोई पार्टी, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है। धर्मपत्नी जी, कब से आवाज दे रहा हूँ यार? क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा घर सिर पर उठा रखा है आपने। अरे कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी ना जो पूरे घर को सर पर उठाने की नौबत आ गई, लेकिन आप हैं कि आपको हमारी बात सुनाई नहीं देती है? हम चिल्लाए चले जा रहे हैं, लेकिन आप क्या हैं? आपको तो हमारी सुननी ही नहीं है। अरे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आप भी झूम उठेंगी। कुछ बोलोगे? रैक्स, हमारी स्वाति का रिश्ता आया है, और वो भी अर्णव के साथ। सच? वो लोग आज ही आ रहे हैं मिलने के लिए। रैक्स, ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों जाती है? रैक्स, भगवान ने अपनी सुन ली। Rex. Hmm?
अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस भगवान ऐसी दया बना रखे और हमारी बची हुई लड़कियों के भी हाथ पीले हो जाए, बस कोई अड़चन ना आए। तुम चिंता मत करो, कोई अड़चन नहीं आएगी। एक प्रार्थना और सुन लो भगवान, इस प्रिया को इस घर से बाहर कर दो, मुझे इसे यहाँ नहीं रखना, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। फोन कैसे उठाएंगे, वो तो क्लास में होंगे ना अभी। प्रिया तो भी ना, मैं जाऊंगी कहां? तुम्हारी माँ के पास। क्या आप है? I'm sorry बेटा, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, लेकिन इनमें से किसी को मैं नहीं जानती। ओ गॉड, प्लीज ये क्लास जल्दी ओवर करा दो, मुझे मैम को कितना कुछ बताना है। मैं कितनी खुश हो गई थी कि अब शायद मेरी तलाश पूरी हो गई है, मगर नहीं, मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कुछ भी पता नहीं चला कि मेरी माँ कौन है, मुझे शक्तियाँ कहाँ से मिली, कुछ भी नहीं पता चला।
ये क्या था? इस लड़की को छूकर मैंने इस पेड़ को छुआ तो इसकी पत्तियां क्यों सूख गई? ऐसा कैसे हुआ और क्यों? Excuse me. I'm so sorry, actually. मैं मोहित, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी थी जो जो आपको आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना मैम? सॉरी, पता नहीं कब कितनी इतनी सारी इतने सारे वो तितलियां कब आ गई, आई डिडंट रियलाइज. मैं ठीक हूँ. अब आप श्योर ठीक हो ना? बिकॉज अब एक काम क्यों नहीं करती, मैं यहीं पास में जा रहा हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चल लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, यू फील बेटर. प्लीज मैम, अब आप पानी पियोगे मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया. प्लीज, जस्ट सामने ही है, प्लीज. हमारी मुलाकात हो रही है, मौका भी है, दस्तूर भी है और शुभ मुहूर्त. प्लीज बैठिए ना. थैंक यू पैम. चलो इसी बहाने तुम हमारे घर तो आ गई, वरना मुझे तो लगा था कई साल ना बीत जाए. बैठो. व्हाट्स टू डू योर रेग्स, ये पहाड़ी लोग होते हैं ऐसे, अपने घर तो बुलाते नहीं, मेरे घर आ जाते खाना खाने के लिए. ठीक है, एक बार अपने हाथ का बना खाना खिला दो इन्हें, मैं गारंटी देता हूँ वापस कभी नहीं आएंगे. वेरी फनी. अब थैंक यू बेटा. अरे सौम्या, तुम्हारी तो एंगेजमेंट होने वाली है ना? जी. तुम्हारे मंगेतर साथ में नहीं आए? तुमने तो कहा था कि आने वाले हैं. हाँ जी, वो आ रहे हैं, कुछ मीठा लेने गए हैं. वो तो मैंने रियांस को भी भेजा था मीठा लेने के लिए. तो वो दोनों मिठाई के साथ कहाँ रुक गए? Hey, फूल प्रिया, यू आर आल्सो बैक. अरे ये क्या हुआ बेटा, ये बाल पत्ते क्या हुआ? प्रिया, पैर फिसल गया था तो गिर गई. मोहित, तुमने मदद नहीं की? अंकल एक्चुअली मैंने कोशिश, वो मैं गाड़ी चला रहा था और रास्ता थोड़ा अजीब सा था और पता नहीं. मोहित, ये पत्ते वालों में कैसे आए? और मोहित, हाँ? तुम तो कुछ मीठा लेने गए थे ना, तो मीठा कहाँ है? राइट बेबी, आई एम सॉरी, एक्चुअली इतना कुछ हो गया, फॉरगॉट, सॉरी. रेहान भाई, आप भी खाली हाथ आ गए? इट्स ओके, मिठाई आती रहेगी. बेटा तुम लोग बैठो प्लीज. मैं आती. प्रिया, मैं भी आती हूँ. अरे स्वाति, तुम क्यों जा रही हो? यहाँ बैठो, सबसे बातें करो, अर्नव से बातें करो, प्रिया को मैं देखती हूँ.
फालतू में ठहंगा मिला, कुछ नहीं मिला। इतनी प्यारी है। यार हमारा स्पेशल दिन भी चला गया। वैसे सब लोग सोचते हैं कि हम उनकी जान खाते रहते हैं, अब सोचते हैं कि ना हम भूत पकड़ ही लेते। उनको समझाना पड़ेगा कि हम भूत पकड़। ओह माय गॉड, ये देख, ओ तेरी पिंक साइकिल, वो यहाँ पे कौन लेके आया? कहीं है वो तुम्हारी किराएदार, क्या नाम है उसका, प्रिया तो नहीं? ओह नो, यू मीन वो? वो हो सकती है? क्या करूं मैं पूछ के आऊं लड़की ठीक है कि नहीं? रिलैक्स बेबी, आंटी गई है ना, तुम टेंशन मत लो। जूस? आंटी कैसी है प्रिया, ज्यादा लगी तो नहीं? बिल्कुल ठीक है, शी इज फाइन। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं है, कुछ खाइए ना। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि एक लड़का और लड़की मिले और अगले ही दिन शादी का प्रपोजल एक दूसरे को दे दें, लेकिन वक्त बदल रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरा बेटा आपकी लड़की को पिछले 3-4 सालों से जानता है, पसंद करता है, लेकिन बात करने की हिम्मत अभी परसों ही हुई है और आज हम लोग यहाँ पर हैं। भैया ने तो भाभी के लिए पोएम भी लिख डाली। अरे वाह बेटा, कुछ सुनाओ ना हमें भी। मुझे उस माइलस्टोन के पास वापस जाना होगा, मगर जब तक ये सब नहीं निपटता, ये लोग मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। अब रेहान बेटा, बेटा तुम बाहर से आए हो ये तो हमें पता है, पर काम क्या करते हो? खून चूसता हूं अंकल। बहुत ही अच्छा काम करते हो बेटा, ये मजाक अच्छा था? पहले पहले सबको मजाक ही लगता है, ये उल्टा बोलता ही नहीं, लगता भी उल्टी खोपड़ी का ही है। रेहान अंकल नेवर माइंड, ये हमारी फैमिली में थोड़ा अजीब है, एक्चुअली सबसे अजीब है। लग रहा बेटा लग रहा। यार ये जो तेरा भाई है ना, मैं पहली बार में ही समझ गई, बहुत इरिटेटिंग है। वैसे अजीब तो है ये, क्योंकि मेरे और अर्णव भाई से ना बिल्कुल ही उल्टा ही। बात यह ना कि मेरे और अर्णव भाई की ज्यादा बनती है, इसकी और सौम्या दी की ज्यादा बनती है। मैं भी अच्छा यार ये वैम्पायर जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? हाँ यार बस अजीब तो है, एक्चुअली अजीब ही है। जब मैंने इसे बोला था ना कि मैं पतली होगी, तो पता है इसका रिप्लाई क्या था? कहता अगर नदी में से एक लोटा पानी कम हो जाएगा तो पतली नहीं हो जाएगी वो। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे मैं ही अडॉप्टेड हूँ यार। नो डूड, यही अडॉप्टेड है, देख तो इसे, ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म से बाहर आया। नहीं मुझे वहम नहीं हो रहा है, किसी ने तो पक्का मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया है, पर किसने, कौन था वो? हाय एक्चुअली वो मैं पानी मांगने आया था। पानी? नहीं एक्चुअली ये झूठ है, मैं एक्चुअली पूछने आया था आप ठीक तो हैं? अगर तुम्हारी गाड़ी मुझ पे ओवर स्केटिंग भी कर जाती ना तो भी मैं बच जाती। मुझे गाड़ी वैसे नहीं चलानी चाहिए थी। इट्स ओके मैं ठीक हूँ। नहीं वाकई आप ठीक तो हैं, बिकॉज़ मैं जेन्युइनली ध्यान
देखे अगर चला था तो शायद ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ। और ये बात तो आप बाहर भी बोल चुके हैं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। मोहित, तुम यहाँ पे हो बेबी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अब हाय प्रिया, राइट? हाय, आई एम सौम्या। तो यहाँ की नई पीजी तुम ही हो? या, दैट्स नाइस। वैसे मेरा घर भी पास में ही है, जब भी फ्री हो ना घर पे आना, खूब गपशप करेंगे। बेबी चले। अब आप इधर अकेले क्यों खड़ी हो? कम एंड जॉइन अस ना, आप इधर अकेले। वैसे आपने हमारा कॉलेज देखा? बेबी अभी तो वो नई नई आई है, ऑलरेडी कहाँ से देखा होगा। राइट राइट, स्टूपिड। बट फिर भी अगर आपको कभी भी कोई भी चीज की हेल्प हो, प्लीज कॉल मी। श्योर, एंड टेक केयर। हाँ, यू टू। सॉरी, टेक केयर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.